दुनिया भर के मेरे प्यारे बच्चों, योर रॉयल मैजिस्ट्रीज, रॉयल हाइनेसेस, माय डियर डॉटर मलाला, एक्सेलेंसीज, डियर ब्रदर टॉम हार्किन, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मैं शांति और मानवता के इस पवित्र मंच से वेद के एक मंत्र को उच्चारित करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। इस मंत्र में एक ऐसी प्रार्थना, एक ऐसी कामना और एक ऐसा संकल्प निहित है जो विश्व को मनुष्य जनित त्रासदियों से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य रखती है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हम सभी साथ साथ चलें, आर्थिक तरक्की और विकास के रास्ते में दुनिया के दक्षिणी छोर से उत्तर तक और पूर्वी छोर से पश्चिम तक हम में से कोई भी पीछे ना रह जाए, हम में से कोई भी बिछुड़ ना पाए। हम सभी साथ साथ बोलें, साथ साथ चिंतन करें और साथ मिलकर एक ऐसे ज्ञान का सृजन करें जिससे समस्त विश्व का कल्याण हो सके। आज मैं सबसे पहले अपने स्वर्गवासी माता पिता को, स्वर्ग से भी महान अपनी जन्मभूमि भारत को और समस्त धरती माता को बहुत विनम्रता से नमन करता हूं। मैं उन हजारों बच्चों को स्मरण करता हूं जिनको आजाद कराने में मैं स्वयं मुक्त होता रहा हूं। मुक्ति की पहली मुस्कराहट में मैंने बार बार, हर बार उनके चेहरों पर ईश्वर को मुस्कराते हुए देखा है। मैं इस सम्मान का सबसे बड़ा श्रेय अपने आंदोलन के शहीद कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर और पाकिस्तान के नन्हे शहीद इकबाल मसीह और ऐसे तमाम लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने बच्चों का बचपन लौटाने के लिए हंसते हंसते अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। मैं आज उन सभी लोगों की तरफ से दुनिया भर में बच्चों को आजादी और शिक्षा दिलाने में लगे तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरे समस्त देशवासी बहनों और भाइयों की ओर से बहुत विनम्रता से यह स्वीकार, आपका यह पुरस्कार स्वीकार करता हूं। भगवान बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी की धरती से नॉर्वे तक की मेरी यह यात्रा विश्व शांति और मानवता के एक छोर को, जो प्राचीन छोर है, दूसरे जो आधुनिक छोर है, उसको जोड़ने की यात्रा मैं मानता हूं।